हेलो गाइस, अभिषेक यार, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज हम लोग बना रहे हैं चिकन रोस्टेड। ये उसकी भट्टी बन रही है। अभी आपको हम सिखाते हैं कि भट्टी कैसे बनती है। ये बन गया अपना भट्टी। ये लो भाई, ऐसे बनता है भट्टी। इतना पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, लोहा लकड़ जुगाड़ करके बस। हियर इट इज गाइस, तैयारी हो चुका है। वो बन रहा है अपना, ये देख रहे हो आप, ये बन रहा है ग्रेवी वाला पीस। और यहाँ पे बनेगा, सॉरी, यहाँ पे बनेगा अपना रोस्टेड चिकन। ये सारा मटेरियल देखो आप, ये इसका सीका है, सब तैयार है, बस अपने को बनाना है। तो अभी क्या करेंगे उसको कि जब ये वाला बन जाएगा ना, मतलब 90% 95% तक बन के तैयार हो जाएगा ग्रेवी वाला पीस, तब अपन रोस्टेड बनाना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर पहले बना देंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही रोस्टेड बनाएंगे उसके बाद खाएँगे, देन उसके बाद ग्रेवी वाला खा के करके आपको दूँगी। सो दिस इज हाउ इज गोइंग। अभी जब रोस्ट करेंगे तो आपको बताएँगे मसाले का भी, इन्ग्रीडियंट बताएँगे कैसे कैसे मसाला डालना आपको, क्या क्या चीज़ें यूज करनी होती है मसाले में। मसाला बहुत सिंपल होता है इसका, आपको बताऊंगा। चिकन से ज़्यादा सिंपल होता है रोस्टेड चिकन का मसाला, आप विश्वास नहीं करोगे। सो ओके, आगे चलते हैं अभी। सो गाइस, यहाँ पे अभी हो रहा है भट्टी जलाने की पूरी चेष्टा। अंदर से चल तो रहा है लेकिन कोयला साला ऊपर से आग नहीं पकड़ रहा है। सो अभी अभिषेक सर उसको जलाइए, थोड़ा जल्दी करिए। क्या बात, तो अभी भट्टी जल तो रहा है लेकिन कोयला आग पकड़ना शुरू तो किया है। आज आग ही तो आँच तो आना शुरू कर दिया है। सो गाइस, यहाँ पे देखो आग लगाने की पूरी चेष्टा हो रही है, फिर से शुरू हो गया है आग लगाने वाला काम। एक गलती की वजह से आग नहीं पकड़ा था, अभी हम लोग आग फिर से लगा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग कभी कोयला को आग पकड़ाया नहीं थे, पहली बार पकड़ा रहे थे। अरे यार, धुआं उधर करवा तब ना, धुआं तो होगा जब यही भरा बन जाएगी।
तो अभी अपन लोग आग पकड़ा रहे हैं। देखा समझ एक डाला अंदर आता बस ठीक है ठीक है ठीक ठीक। जितनी भी आप भट्टी में आग लगाओ देखो ऐसे ही लगाया जाता है, सीख लो अभी। सो गाइस ये देखो अपनी भट्टी अभी अब धड़कना शुरू किया है, अभी देखो कोयला कैसे आग लगाया जाता है इसमें देखो इसको। अरे यार इसको और क्या बोलते हैं, गोरिया को नहीं गोईठा ना। हाँ सो गाइस ये गोईठा है, ये कोयला है, इसको मिक्स करके लगाया जाता है ताकि इसमें आग पकड़ ले। अरे यार इसे कल अलग अलग फैला फैली बात फैल जी ना। सो गाइस ये है अपन वो बना हुआ यार। हाँ बना दो इसे ठीक, हम बोल लेंगे बाद में, तुम बस दे दो। मैं तो आइया नहीं हूँ, मैं तो आइया नहीं हूँ जी। वो छोटका छोटका क्या अच्छा काटा है कि नहीं इसमें भैया, लहसुन है क्या वो बटवा डाला है मुझे। अरे पहले अखबार या मक्खन के नीचे मक्खन लगा मक्खन लगा मक्खन लगा। अरे यही ला अब फिर कहाँ चंदे जाते हैं, ये जो देखो भैया आधा रखा होगा उसको लेके आया। बटरवा पे लगावा वो देखो एक कुरवा रखा होगा उसी कुरवा में। अरे ये कटोरी दोन का घर में कुरवा में कुरवा खाएगा कुरवा देखा उधर रखो लेट हुआ पे जा बाबा बैठो पीछे वाले मारा गया फिर फिगर का मार। अरे यार जहां काम आ चुका हम। अरे एक औंटा लगा भाई, तो जल जाए इसे जल जाए तेरी तब का एक औंटा लिया कर ज्यादा ऊपर ना हो जाए। अरे नहीं मतलब वो पलो लिया भाई यार इधर हटाओ बस करा रखा है तुम कोना बस कराने उज्ज्वला लगे गेम तो हो जाए गेम के लिए एक कर यहाँ काबू लेना एक को से बचा होगा देखो ना इसे का सिकवा बचा ना होगा इसे पूरा में नहीं सुने अन्ना तो क्या करें लकड़ियाँ की गोदो जैसे। सो भाई जब भी चिकन को रोस्ट करो आप याद रखो हमेशा कि उसमें आपको हमेशा मक्खन लगाते रहना है, कुछ कुछ समय पे मक्खन लगाते रहिए, नहीं तो जो नीचे वाला पोर्शन है जिधर आँच लग रहा होगा मतलब गर्मी लग रही होगी कोयले की वो पोर्शन जल गया था। जैसे आपको स्टार्टिंग वाला देखिए हम लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा समय लेट आया था वहाँ से उठ के तो उसके ऊपर किसी ने लगाया नहीं तो जल गया। Thank you.
टेस्ट करो। वो बाल बोलिए ना एकदम खतरनाक बाल की एक्सप्रेशन खेला मस्त एकदम एकदम अच्छा है। खाओ यार उससे तुम भी खाओ सब लोग खाओ एकदम अच्छा है मस्त है एकदम। उस दिन का अल्टीमेट था अरे यार आज बनेगा आज बहुत ज्यादा सोचा हूँ उतना एक ईटा उड़ा तेरे पकी और आज पकी ऊपर नीचे हल्का हल्का अच्छा ना हल्का नहीं बहुत लंबाई में दरा लो भैया भैया पूछा टेस्ट भैया बताइए पूछा क्या भैया कैसे बना रहे टेस्ट एकदम लाजवाब है ये मेथड में कहाँ गलती है बताइए पा है तू कनिया भी सही बनाओ इंसान जरिया रहा के अरे ना तो वो अपने हाँ आज जलियो यह रही तब वो चल जाए ये वो जलिया में बनने से मत नहीं ना चिया खाली से कम का अगर हम बना दें तब बादल गाइस बादल फिर से बादल बनाया जाए फिर से बादल बन रहा है यही होता है बादल में गाइस फ्रेस पानी ले आओ यार ये रहा गाइस हर जगह जल जो खपवा सो करे सुचिरा बादल ये रहा अपना आइटम ये बट्टी रहा अपना जीरा चिकन चिकन हांडी और बाटी बाटी भी चिकन गाइस ये फाइनल अपना है मुझे बताओ कैसा बना है मस्त बना है खा के बेहोश हो जाओगे सो हियर इट इज गाइस अपने भी बाइक जाओ ब्रजेश अपने भी बाइक जाओ उधर करो टीने के पास खड़ा करो सो हियर इट इज गाइस ये ब्रजेश है और ये बाइक बंद हो रही है अपनी सो ऐसे अपन ये घर है अपन इस घर के पीछे जो काम हो रहा है सब कुछ इसके पीछे हो रहा था घर के बाहर ही घर के अंदर अलाउड नहीं होता होप सो कि आपको मज़ा आया होगा वीडियो में हाँ मैं आपको मसाला दिखा रहा हूँ उसका भूल गया हूँ सो अभी ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ आज के लिए फिलहाल लेकिन अगली बार जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको सबसे पहले मसाले से स्टार्ट करूंगा कि आपको इंग्रेडिएंट क्या क्या उसमें यूज करना है कैसे कैसे बनाना है कितना समय देना पड़ेगा उसके लिए एक्चुअली समय का मैं बोलूं तो मैं 4:30 बजे घर से निकला था 5 बजे तक सामान लिया था और अगर मैं चिकन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे तक मैं लेके आया था बट मैं उस टाइम पर नहीं बनाया था पहले मैंने भट्टी बना कर छोड़ दी थी ऐसे ही और जब वो तैयार हो गया था ना तो उसके बाद जब चिकन तैयार हो गया था देन उसके बाद मैंने बनाना शुरू किया था आठ साढ़े आठ के आसपास मैंने चिकन को रोस्ट करना शुरू किया और अभी जैसा आप टाइम देख पा रहे हो ऊपर घड़ी में तो अभी हो रहा है रात के 10 बज रहे तो अभी 10 बजे तक सब कुछ फिनिश हो गया मतलब मान के चलिए 4 से 10 इतना समय आपको देना पड़ेगा बनाने के लिए सो ब्रजेश कैसा लगा खा के मस्त लगा एकदम धासु जो अभी तक नहीं खाया उसने भी खाया जिसने नहीं खाया वो जो भी नहीं खाया आओ उसको हम खिला देंगे सो होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय हैव अ गुड नाइट